मगर एक बहुत छोटा सा तबका है, और जिसको हमेशा बताता हूँ कि वो अपने फ़ायदे के लिए किसी यूथ को गुमराह करने की पूरी कोशिश करता है। ठीक है, जैसे आप कल का एक ऑपरेशन देखिए जिसके अंदर एक आदमी अपने आप को डॉक्टर बना करके किस तरह की डिग्री के साथ में एक फेक कॉल सेंटर चलाता है अपने उस इलाके के अंदर। उसके पास हैदरपुरा जैसी जगह के अंदर एक अच्छा बढ़िया ऑफिस है, वो एक आम आदमी नहीं बना सकता, मगर वो वही आदमी बना सकता है जो किसी गलत पेशे के अंदर लग करके बाहर से पैसा कमाए, अंदर से गलत किस्म से पैसा कमाए, कुछ लोगों को टेररिस्ट बनाए, यूथ को गलत रास्ते पे लेके जाए ताकि उसका घर परिवार अच्छा जाता है। वो डॉक्टर बन जाए, उसके परिवार बाहर पढ़ाई करें, मगर कोई ना कोई यूथ हथियार पकड़ के मारा जाए, उसको फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये जो फैक्ट्री चलाते हैं वाइट कॉलर टेररिस्ट, सफ़ेद पोश दहशतगर्द, हमें आवाम को उनसे आगाह करना है कि आप जाओ और उनसे दस्तक दो उनके घर के अंदर और उनसे बोलो कि तुम्हारे बच्चे को, मेरे बच्चे को आप टेररिस्ट क्यों बना रहे हो, दहशतगर्द क्यों बना रहे हो, आप अपने बच्चे को पहले दहशतगर्द बनाओ और फिर मेरे बच्चे को बनाओ। जब तक ये नफरी कम नहीं हो जाएगी, जब तक हमारे लोग जागरूक होकर के उनसे ये सवाल नहीं पूछेंगे कि पूरी दुनिया आगे चलती जा रही है, पूरा देश आगे चलता जा रहा है, आप हमारे बच्चे को एक पुराने किस्म के माइंडसेट के अंदर लेके जा रहे हो, तब तक ये थोड़ी सी प्रॉब्लम रहेगी। बट मुझे मालूम है कि ज़मीन के ऊपर वो जो नफरी है, वो जो स्ट्रेंथ है ऐसे गलत लोगों की, वो धीरे धीरे कम होती जा रही है।